परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में जहां मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जाता है, अगर देखा जाए तो जहां प्रत्येक सप्ताह के बुधवार के दिन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों एमडीएम में दूध पिलाया जाता है, लेकिन पूरनपुर बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दूधपुर में पढ़ने वाले बच्चों को दूध नहीं पिलाया गया। गाँव के ही महेश कुमार नाम के व्यक्ति ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिकायत कर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अध्यापकों पर कार्रवाई की मांग की है। जब इंचार्ज अध्यापक रितेश वासवानी से बच्चों को दूध न पिलाने की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि फरवरी से हम लोगों के पास एमडीएम की राशि नहीं आई है, तो हम जब दूध नहीं पिलाते तो हम उसको अपने विभाग के अधिकारियों को जीरो भेज देते हैं और हमारा दूध का पैसा नहीं आता। अब फिलहाल पढ़ते बेटा तीन में कहाँ रहने वाले हो? गाँव का नाम तुम्हारे? दौदपुर। अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हो यहाँ? अच्छा, आपके यहाँ हर बुधवार को क्या दूध मिलता है आपको? आज बटा था दूध? हाँ। नहीं बटा। फल फूल बढ़ता है? ना। नहीं बढ़ता कभी भी? नहीं। बेटा आपका पुष्पेंद्र। कौन से क्लास में आप? कक्षा तीन। तीन में। आपके गांव का नाम क्या है? क्या है ना? अच्छा बेटा बताओ, आज आपको दूध पीने को मिला था? आज नहीं मिला। मार्ट साहब नहीं लाए दूध आज? अच्छा, फल फ्रूट मिला आपको? दूध नहीं बेटा। जय हर छाया देवी। कौन से क्लास में पढ़ती है बेटा? फोर्थ क्लास में। आपके गांव का क्या नाम है? अच्छा बेटा बताओ, आज बुधवार को आपको दूध पीने को मिला? आज को नहीं मिला, बुधवार को मिला। अच्छा, फल फ्रूट मिलते नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। अच्छा, दूध नहीं बेटा जाए आज नहीं मिला? ना। आज आया नहीं दूध? मास्टर साहब लेके नहीं आए? ठीक। कौन से क्लास पढ़ते हैं आप? फोर्थ क्लास में। ठीक। कहाँ के रहने वाले हो? दोधपुर खलपुर। अच्छा, क्या आज बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को आपको यहाँ दूध बटता है? आज नहीं बटा बिल्कुल। फल फ्रूट दिए आज नहीं मिले? आज मिला फल और दूध नहीं बटा आज? अच्छा ठीक हो। बच्चों द्वारा बताया गया था कि आज दूध बटा नहीं बटा? आज दूध नहीं बटा, नहीं बटा। अच्छा, ये आज ही नहीं बटा, इससे पहले भी बटा? बटा था। बटता आज नहीं बटा दूध? अच्छा, आज बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चे। ये मतलब आपने गिना नहीं, मतलब अंदाज से खाना बनाया? काउंटिंग नहीं किया आपने? काउंटिंग किया, कम से कम 65 बच्चे या 60 बच्चे तो मान लो। मान लिए थे 65 या 60 बच्चे, मतलब काउंटिंग नहीं किया, ऐसे अंदाजा में ही आपने तहरी बनाई है। मतलब आज दूध बच्चों को नहीं मिला है। फल फ्रूट बटे? हाँ, फल मिलते हैं बच्चों को। अच्छा, फल में क्या आज बांटा मार साहब ने? आज तो नहीं बटे हैं। आज फल भी नहीं बटा और दूध भी नहीं बटा? यह है कि ये कम से कम 2 महीने होने वाले हैं बुध को दूध नहीं मिलता है। किन्हें नहीं मिलता है दूध? बच्चों के लिए। अच्छा, इस संबंध में इससे पहले आपने प्रधानाध्यापक देखा भी है? अच्छा, इससे संबंध में प्रधानाध्यापक से बात की तो प्रधानाध्यापक ने क्या बताया? मैंने एक दो बार झूठ भी बोला, मैंने कई बोले चलो सही था, झूठ बोल दिया, मगर कई महीने गुजर चुके, मैं देख रहा ये भी कि दूध बच्चों को नहीं दिया जा रहा। अच्छा बच्चों, इससे संबंध में प्रधान को भी अवगत कराया? हाँ कराया मैंने कि मैं सर जी झूठ बोला तो दो बार हो चुके हैं, 2 हफ्ता हो चुके हैं और तुमने दूध बोले वो चलो आपने झूठ बोल दिया, बढ़िया था। मैंने कि कई दिन से मैं देख रहा, कई बुधवार गुजर चुके हैं और दूध नहीं दिया गया बच्चों को, दूध नहीं दिया जा रहा है। ठीक। प्राथमिक विद्यालय दोधपुर विकास क्षेत्र पूरनपुर जी। हाँ, मैं इस पर इंचार्ज अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। क्या नाम सर आपका? रितेश वासवानी। जैसा कि मानक अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था एमडीएम में बच्चों के लिए आज प्रत्येक बुधवार को बच्चे के लिए विशेष रूप से उबला हुआ दूध देने के प्रावधान दिया गया था। अभी बच्चों से वाइल्डली बच्चों ने साफ साफ बताया कि आज बुधवार को दूध नहीं बटा, किस कारण आपने दूध वितरण नहीं करवाया? आज दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई है और जैसे कि आप लोग पता भी होगा कि फरवरी से हम लोग के पास एमडीएम का राशि नहीं आई है जी, तो अगर हम लोग दूध नहीं बांटते तो हम उसको जीरो भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग जीरो भेज देते हैं तो हमारे पास दूध का पैसा नहीं आता। अच्छा, इसी कारण जैसे दूध नहीं मिल पाता गांव में, जैसे आज नहीं मिल पाया हमें, तो हम लोग ने उसको जीरो भेज दिया गया अपने विभाग को जी, और बाकी जो तहरी वगैरह है वो हमने खिला दी। आज बच्चों की संख्या टोटल कितनी थी? आज 64 बच्चे आए हैं हमारे यहाँ जी, 64 जी, 87 हमारे यहाँ की संख्या है जिसमें 64 बच्चे आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आज ये पहली बार ही हुआ या कभी कभी हो जाता है? कभी कभार हो जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हुआ, पर हमारे रजिस्टर में जो भी
नहीं बैठता है तो हम जीरो चढ़ाते हैं, अगर बैठेगा तो जाएगा। मतलब आज ऊपर से सरकार द्वारा जो मानक ग्रांट नहीं आई है दूध की, उसकी वैसे बात नहीं है, नए पैसे नहीं आते नहीं। उससे भी आप आहित होकर बच्चे को दूध में इंटरेस्टिंग कम लेते हैं। वैसे नहीं किया गया, पर आज हम लोग को दूध नहीं मिल पाया गाँव में, जहाँ से हम लोग लेते थे वहाँ उपलब्ध नहीं था, इसलिए नहीं बताओ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।